सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजातर खबरें। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छात्रों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। इस मामले को मनपा के शिक्षा अधिकारी जवाबदार है। ऐसा आरोप भाजपा और शिवसेना के पार्षद द्वारा पालिका के सर्वसाधारण सभा के दौरान किया गया, जिसके बाद एमआईएम के पार्षदों ने अलग ही मोड़ इस मामले को दिया, जिस कारण भाजपा शिवसेना के पार्षद शशिकांत चोपड़े और एमआईएम के पार्षदों में माहौल गरमाया था। वाशिम जिले में बीते साल बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इस साल अच्छी बारिश हुई है। महीना भर में ही 46% बारिश हुई, उसी कारण बारिश फसल के अच्छे दिन आए हैं। शराबबंदी बीते 3 साल पहले हुई थी। शराबबंदी होने के बावजूद शराब छुप छुप कर बेचा जा रहा है। ऐसी एक शराब विक्रेता की बैग रात को रास्ते पर पड़ी मिली, जिससे दारू की बोतलें मिली है। आज की बुलेटिन में यही रुकते हैं। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज। एमएनएस लाइव न्यूज देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें। नमस्कार।